हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सुनवाई जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में सुनी जानी है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आप लोगों को अपडेट दिया हुआ है। इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें जो है पूरी तरीके से एडवोकेट्स को सुना जा रहा था और फाइनल आर्गुमेंट एक तरह से बोला जा रहा है कि ये फाइनल आर्गुमेंट है और इसके बाद डिसीजन आएगा। लेकिन अब इसमें भी एक नया मोड़ आ चुका है। क्या क्या चीजें हैं और आज किन किन पॉइंट्स पर जो है डिस्कशन हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है कोर्ट में, उन सभी चीजों को जानेंगे और किस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो रहा है और किस तरह से इसको दूसरे रास्ते पर ले जाया जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे हम जब भी कोई अपडेट दे इमिडिएट आपके पास पहुंचे। सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हो, यही है मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस बीटीसी में जो ये मामला सुना जा रहा है। और इस केस का आपको मैं बता दूं कि ये केस आज फिर से जो सुना जाएगा 3:30 बजे ही सुना जाएगा, 3:30 का ही टाइम दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर सीरियल नंबर अगर देख पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं। सबसे पहले तो आप टाइम देखिए, 30 तारीख को सुना जाना है, सीरियल नंबर इसमें 33 है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट में ही सुना जाएगा ये केस। अब इसमें आपको लास्ट जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि मीनाक्षी अरोड़ा जी ने किस तरह से अपनी बातों को रखा। फिर से अगर हम ये देखते थे देखे कि डीएलएड के जो विज्ञान साह जो थे उन्होंने अपनी बात को किस तरह से रखा, तो इन दोनों के जो है बातों को सुना जा चुका है। अब जो लोग बचे हुए हैं जो बीएड के एडवोकेट्स हैं उनकी बातों को सुना जाना है, वो लोग अपने पॉइंट्स को रखने वाले हैं, उनकी बातों को आज सुना जाएगा फाइनल तौर पे। लेकिन 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 इसमें एक मोड़ ये आ गया है कि जो स्टेट है, जो मध्य प्रदेश सरकार है, वो जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दायर कर चुकी है। मतलब इस केस की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करवाना चाहती है। अब इस पर भी फैसला आज ही लिया जाएगा। अब ये क्या केस सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा या इसकी सुनवाई जो है फाइनल तौर पर आज के आज कर दी जाएगी। सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूं कि यहां पर जो मीनाक्षी अरोड़ा जी हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा, उसमें जो अभी तक बीएड की तरफ से जितने केसेस हुए हैं, डिस्पोज हुए हैं और डिसमिस किए गए हैं, जिनमें फाइन लगा है, चाहे अर्णव घोष वाला मामला हो जाए या जो छात्र वेलफेयर यूनियन का था वो हो जाए, हर जगह से जो है जो चीजें हुई हैं उनको उठा दिया गया है। तो कह सकते हैं कि डीएलएड की तरफ से अपनी बातों को रख दिया गया है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा गया है और जिसका इम्पैक्ट भी जस्टिस शील नागू पर क्लियर तौर पर देखा जा सकता है। अब जो है बारी है बीएड एडवोकेट्स की। अब बीएड एडवोकेट्स अपनी बातों को किस तरह से रखेंगे, क्या क्या पॉइंट्स रखेंगे, वो तो है ही, लेकिन क्या जो सरकार की याचिका है, जो सरकार जो है इस केस को ट्रांसफर करने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्या इसको किया जाएगा, क्या इस केस को ट्रांसफर जो है सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाएगा? तो हाँ, ऐसा उम्मीद है कि जब भी स्टेट अगर किसी भी चीज को, पहले उनका तो पॉइंट भी देखा जाएगा, तो पॉइंट्स भी उन लोगों ने उन्होंने जो है उसी तरीके से दिया हुआ है कि वहां पर जो है बहुत सारे इससे मामले जुड़े हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि गुड्डू सिंह वाला मामला हो जाए या और भी मामले जिसको यहाँ पे रेफर किया गया है कि ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं, तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना जाए और वहां से ही फैसला आए तो सही। इस तरह से पॉइंट्स जो है उन्होंने रखा हुआ है। तो अब इस पर जो है एमपी हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होता है वो आज देखने वाली बात है। और आज हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे लाइव अपडेट के साथ। 3:30 में इसकी सुनवाई का टाइम दिया गया है, 3:30 बजे, और किन किन बातों पर होगी, बीएड के एडवोकेट्स किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं ये देखना है, और क्या स्टेट गवर्नमेंट की याचिका को मानते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस पर भी हम नजर बना करके रखेंगे। तो जो भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा, तो चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर।